आज राम बच्चन जिंदा होता तो कहा देगा अपना बहन लोगों को नेक में तोहफा में कहा देगा बच्चा कहा तोहफा देगा अपने बहन लोग को हम तुम दोनों के लिए गिफ्ट लाए हैं तुम दोनों अपना हाथ आगे बढ़ाओ अपना हाथ आगे बढ़ाओ कुछ नहीं है ये पापा का मुस्कान है दीदी अरे इससे अच्छा तुम लोग को कोई और तोहफा दे सकता था मैं तो राम बच्चन का बेटा ही ना क्या हुआ दीदी तोहफा अच्छा नहीं लगा का तोहफा का अच्छा लगेगा राम बच्चन चाचा के गुल्लक का मुस्कान तो कब का खत्म कर दिया है कोई ख्वाहिस पूरा हो गया हाँ बताओ क्या खाना है तुमको एक काम करते हैं हम आज सबको यही चाइनीज खिलाते हैं यहाँ का नूडल्स एकदम बहुत फेमस है पटना में ये हम जानते हैं भाई आते रहते हैं यहाँ दीदी हम चलते हैं मोनू ये मौवा कहाँ जा रही है बेटा बैठना साथ में खा के फिर चली जाना चाची यहाँ का खाना बहुत महंगा है किसी का एहसान नहीं चाहिए हमको मोनू के साथ हम कहीं और खा लेंगे कभी क्या मतलब है इसका हमारे पैसे से नहीं खाएगी कम से कम अपने भाई का तो सोचे उसके लिए तो खा ले रक्षाबंधन है आज राखी हो या दिवाली तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए हमको दीदी तुम हमारा पैसे से तो खा सकती हो ना हमको पता था ऐसा ही कुछ होगा इसलिए हम अपना पैसा लाए हैं आज तुम दोनों को तुम्हारा भाई खिलाएगा पूरा 800 रुपए है बाप रे इतना सारा पैसा कैसे आया तुम्हारे पास हम अपना गुल्लक तोड़ दिए और उनमें से पैसा लिए और पापा के गुल्लक में से स्माइल है चलो चलो बैठो सब सुनिए जरा मेन्यू कार्ड दीजिए ना ब्रदर खुश हो गए तुम वैसे जो हुआ ना बेटा ठीक हुआ राम बच्चन के आत्मा को शांति मिल गया होगा राम बच्चन जी भी ना कुछ ज्यादा इमोशनल कर देते हैं कभी कभी बात बता जरा
एक भाई होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने बहनों का रक्षा करो। सोच कभी ऐसा सिचुएशन आए जहां हम और तुम्हारी वो बहन दोनों फंसी हो और तुमको किसी एक का रक्षा करना हो तो किसका करेगा, हमरा या उसका? ये क्या पूछ रही है निम्की, ये कोनो बात हुआ काहे, का गलत पूछे हम? आ सकता है ऐसा सिचुएशन भाई, बता। दीदी छोड़ो ना, का तुम भी हो गया ना सब? का हो गया? वो तुम्हारी बहन महुआ हमारे सामने खड़ी थी लेकिन हमारे तरफ देखी तक नहीं, हमसे बात तक नहीं की। नहीं देखा तुमका? तुम भी तो बात करने का कोशिश नहीं की ना बेटा। छोड़ ना, का फालतू का बहस लेके बैठ गई है, है? देखो वैसे हुआ पर जाने का जो असली मकसद था वो तो पूरा हो गया ना। मोनू को राखी बांधना तुम मान लेना। हाँ देखी तो मोनू कितना बड़का हो गया है, हमारे यहाँ कंधा तक आ गया हो, देखी तुम? वो तुम्हारे तरफ नजर उठा के भी नहीं देखी, तुमको जरा को बुरा नहीं लगा? हमको जितना बुरा लगना था लग गया। बार बार घाव को कुरेदने से कोनो फायदा है का? चलो टुन्ने को देखी थी कैसा अकड़ के कोना में खड़ा था? वो दोनों का शादी वादी हो गया है का? अरे ना ना, शादी नहीं किया है। टुनवा तो काम के तलाश में खुदे परेशान है। देखो छोटका घर में रहता है, महुआ कब कब जाती है मिलने उससे। सब खबर रखी हो तुम और यहाँ का नाटक करती हो कि हम तो बात ही नहीं करते हैं। दीदी तुमने ब्याह का काम फिर से छूट गया है। ये लो, इसको तो ताजा न्यूज भी पता है, लेटेस्ट न्यूज। मुंह ढक। ना चलो तुमको आइसक्रीम खिलाते हैं, बढ़िया वाला। ताक कर रही हो, आओ। समझती का है वो, अपना पैसा का धौंस दिखा के मना लेगी हमको। हमको नहीं चाहिए उसका पैसा। मोनू के लिए ना एक गुल्लक खरीद लेना और ये पैसा उसमें डाल देना। ठीक है, पैसा रहेगा तभी ना गुल्लक तोड़ के अपने बहन को भेजेगा वो। चलो हुआ। चुन्ने हाँ, ये रखो थोड़ा पैसा। हुआ मगर ये हम सनीचर को आएंगे ना तब चिकन लेके आना, तुम बना देंगे। बंगला दिए हैं उदय शंकर तो खाली नहीं कर रहे, ऊपर से धमकी दे रहे हमको। ऐसे कैसे नहीं खाली कर रहे मैडम, 36 नंबर बंगला पे तो आप ही का हक है, लेटर है आपके नाम का। क्या करे ऐसे लेटर का, पतंग बना के उड़ाएगा? वो भूतपूर्व विधायक डेरा जमाए बैठा है वहाँ, रोज उसके साथ कबड्डी खेलेगा जाके वहाँ। आप एक काम कीजिए, दूसरा बंगला दीजिए हमको। मैडम अभी हम का कर सकते हैं, सिस्टम में एंट्री हो गया है ऑलरेडी। दूसरा बंगला दिया तो इंक्वायरी बैठ जाएगा हम पर। तो फिर निकालिए ना उदय शंकर को बंगला से। समझिए ना मैडम, दया शंकर जी की पहुंच बहुत ऊपर तक है। उनका पहुंच बहुत ऊपर तक है तो हमारा पहुंच का दिखाते हैं अभी, अभी दिखाते तुम लोग को। निम्की जी। हाँ निम्की जी। गृह मंत्री जी प्रणाम, निम्की बोल रहे हैं। आपसे एक छोटका सा काम था। निम्की जी आप रॉन्ग नंबर मिलाई हैं। अरे हम तो ज्यादा कोई बड़का काम नहीं है, छोटका सा काम था, आप तो चुटकी में कर देंगे हमारे लिए। हम? हाँ हाँ आप। ये नया लेके आई आप, बताइए क्या फेवर चाहिए आपको? हमको ना घर का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है रहने का। घर का प्रॉब्लम? अरे आप तो बोली थी आपको बंगलो मिल गया। हाँ बंगला मिला तो है लेकिन वो बंगला में ना कोई और रह रहा है,
ठाकुर पुराना विधायक है कोई। निमकी जी आप हमको पहले काहे नहीं बताए? अरे हमरे घर में आप हाउसिंग डिपार्टमेंट के तिवारी जी है ना। अरे ना ही बंगला खाली करवा रहे हैं, ना ही हमको दूसरा बंगला अलॉट कर रहे हैं, परेशान हो गए हम भी। अरे निमकी जी रुकिए, उसे कुछ नहीं होगा, आप हमरे ही हम। अरे आप एक काम कीजिए, आप खुद ही बात कर लीजिए, बात कीजिए। आज मिनिस्टर जी आज का न्यूज़पेपर देखे हैं आप? होम मिनिस्टर जी रशिया में कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रहे हैं। हम बाद में बात करते। खा कर ये निमकी जी। हाँ तो बीच मीटिंग में फोन किए तो फोन उठा भी लिया हूँ हमरा, देखे। मैडम जी पान खा लिए, पान खाने से दिमाग शांत रहता है। पान तो ठीक है लेकिन हमारा काम ना अब तक हुआ नहीं है। दया शंकर जी को ना आप वहाँ से हटा सकते हैं और ना हम, और हम आपको बंगला भी अलॉट करते हैं, कुछ दिन गेस्ट हाउस में ही रहिए। अच्छा ठीक है, कब तो हम यही बंगला रहके रहेंगे। नहीं समझे मैडम, हम बोले कि अब तो हम यही बंगला लेके रहेंगे। सर अपने क्षेत्र में गोपाल किशन बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत का सामान पहुंचा रहे हैं। अरे राहत का सामान सबको मिल जाएगा तो जनता तो हमको और भुला देगा। अपना लड़का लोग से बोलो सारा सामान लूट ले, कुछ नहीं पहुंचना चाहिए जनता तक। जी तब ना लोग कहेंगे कि गोपाल किशन कुछ नहीं किया उनके लिए। सर जी एमएलसी का जुगाड़ लगाइए वरना सारा पावर चला जाएगा हाथ से। पार्टी अध्यक्ष को आने दो वापस, एमएलसी नहीं बनाया ना तो इस बार पूरा पटना को हिला देंगे। ये कैसा आवाज है रे? लगता है सर जी नया टीवी का डिलीवरी आया है। यादव को बता दिया ना कि 100 इंच से कम हुआ तो उसी के सर पर पटक देंगे। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप लोग हैं? आप फिर से आ गई? चलिए निकलिए, आप लोग भी जाइए। अरे ये कौन है रे? वो आ गई सर। कौन? वो विधायक। ए दया शंकर हम आ गए हैं अपने बंगला पर कब्जा लेने, बाहर निकल। घुस जाए कहाँ? अच्छा अच्छा कहाँ करती हूँ तो क्या करें क्या करें? तू चुप चुप जा, खड़ी रहो, अंदर जाके मरना है का? अरे शांति से बैठे रहो, उछलो मत ज्यादा। अरे तो ये खड़ा रहो कि क्या करेंगे? मीडिया को हम बुला लिए, इन्फॉर्म कर दिए, अरे सोशल मीडिया पे डाल दिए सब कुछ हम, और न्यूज वाला लोग को ना टैग भी कर दिए। अभी मक्खी की तरह ना भीम बनाते हुए आता होगा मीडिया लोग। और अगर कोई आया ही नहीं तो? नहीं आया तो हमको भागना होगा। तुमको बोले थे नहीं आने, नहीं आने के लिए दोबारा। मगर ये तो हम लोग का घर है ना। अरे चुप। ए लड़वार बोले ना हम, ये बंगला हमको अलॉट हुआ है, सुने नहीं का? अरे तो आपसे कहा गया है ना सर ये बंगला खाली नहीं करेंगे, जाइए यहाँ से। अरे चुपचाप निकल यहाँ से नहीं तो। महिला है हम, लेडीज लोग हैं, हम पर हाथ उठाने का सोचना भी नहीं, मुश्किल में पड़ जाओगे बुझे। सर सर आप इधर आइए, हम बात करते हैं। अरे इसका इतना हिम्मत कि बाहर आके कुर्सी लगा कर बैठ गई है? अरे कहाँ है हमारा लड़का लोग? अरे बुलाओ सबको। दीदी दीदी हमको डर लग रहा है। अरे डर काहे रहा है?
शोले फिल्म में श्री गब्बर सिंह जी को अच्छा वाला डायलॉग बोले थे, जो डर गया सो मर गया। डरना नहीं, डट के रहो, समझे? तो सब किया करा है, मेरा पानी फैल जाएगा। ये जो दया शंकर है ना, इसको जर को भी फील नहीं होना चाहिए कि हम डर गए हैं। देखिए, का नाम बताइए अपना? एक्सक्यूज मी, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रहा है यहाँ। हाँ तो चाची, हम कहाँ कह रहे थे कि हम घर के अंदर जाते हैं, एक बार देख लेते हैं कि बेड सोफा सब ठीक है कि नहीं। हाँ। हम तो कहते हैं कि जो अंदर नहीं है ना सामान, उसका लिस्ट बनाते हैं। हाँ। ले आएंगे। हाँ, हाँ, चलो। कहाँ चली जा रही है, भीतर घुस जा रही है? अरे हमको सब कुछ चेक करना है भाई, अंदर टॉयलेट है कि नहीं और नल सब चल रहा है कि नहीं। और हाँ, सावर है ना दीदी? अगर सावर रहेगा ना तो हम भी नहाएंगे। लेडीज है हम, खबरदार जो हाथ लगाने का सोचे भी। तो वैसे भी आज के बाद तुम हमारे अंडर काम करने वाले हो। अरे हाँ, अब से तो ये अपना दरमान हो गया ना। ए, जाओ दरवाजे पे खड़ा रहो, कोई को अंदर मत आने देना। अरे दुबे, अरे मुंह का देख रहे हो? अरे भगा इसको, पर इनका इतना हिम्मत कि घुस आए हमारे घर में। Excuse me! हम तुम्हारे घर में आए या तुम हमारे घर में आए हो? देखो हमारा दिमाग ना ज्यादा खराब मत करो, हमको जानते नहीं हो तुम। निम्की, एक मिनट। कहाँ है चाची? अरे चुपचाप है ना, उन्हें तुम तो बोली थी कि कुछ लोग आएगा, कोई आया नहीं अभी तक। देखिए दया शंकर जी, आप हमारे घर घुस आए हैं, कब्जा किए हैं। मुंह का देख रहा है, बुला लड़का लोग को। फोन कर दिया है, आ रहे हैं। ए तुम जाओ फ्रिज से हमारे लिए ठंडा पानी लेके आओ, हमारा गला सूख रहा है। हमारा भी। अब कोल्ड ड्रिंक रखे है ना? तुमको डर नहीं लग रहा है? लग रहा है ना डर? कहीं नहीं लग रहा डर, इतना खतरनाक फेस लेके जो घूम रहे हैं आप, जो बड़का बड़का आंख से देख रहे हैं हमको, एकदम कुत्ता लग रहे हैं। अरे कुत्ता बोला? कुत्ता? ये भी कुत्ता बोल दिया? नहीं नहीं। अच्छा ये सब छोड़िए, हम अपने साथ ना शिफ्ट करने के लिए बहुत सारा लोग को लेके आए हैं। हाँ। आप बताइए, अगर आपको भी शिफ्ट करवाना है तो डिस्काउंट दिलवा देते हैं। अरे कहाँ मर गए लड़का लोग, ट्रैफिक में फंस गए थे, एक मिनट में पहुंच जाएंगे। माने तो हमारा लड़का लोग को घसीट कर निकालेंगे यहाँ से। अरे सड़क पर ले जाकर जुलूस निकालेंगे तुम लोगों का। हम तुमको आखिरी बार बता रहे हैं, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो वो हाल करेंगे ना कि जिंदगी भर याद रखोगी। हे दया शंकर, दूसरों के साथ हम ऐसा ऐसा काम किए हैं कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा वो लोग। अरे कहां मर गया था तुम लोग, मार कर निकाल इन सबको और सड़क पर ले जाकर परेड करा इसका। सब